नमस्कार, वेलकम टू जायका विद संगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट भाखरी विद राजमा टॉपिंग। भाखरी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्रचलित रोटी है जो गेहूं के आटे से बनती है। राजाओं का खाना राजमा के बगैर परोसा नहीं जाता था, इसलिए इसका नाम राजमा पड़ा है। राजमा प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है। उसके साथ साथ उसमें डाइजेस्टिव फाइबर्स और विटामिन्स भी होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 कटोरी गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक और 4 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ये आटा सख्त गूंथ लेंगे। इस प्रकार हमने सख्त आटा गूंथ लिया है और अब हम टॉपिंग की तैयारी करते हैं। इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। पैन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है यहाँ पे। उसमें हम 1 चम्मच तेल, उसे गर्म होने के बाद हम उसमें प्याज लंबे लंबे काट लिए हैं, टमाटर, शिमला मिर्च, चार से पांच कलियां लहसुन की, 4 हरी मिर्च और 1/2 इंच अदरक। उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये इसका कच्चापन निकल जाए उतना हम सॉटे कर लेंगे। इसे करीबन 3 से 4 मिनट रखेंगे हिला दें। 3-4 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो हमारा पेस्ट तैयार है और साइड बाय साइड मैंने पैन गरम करके उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाले हैं और जीरा डाल दिया है। जीरा सॉटे हो गया है, अब उसमें हम हमारा मिक्सचर मिक्स कर देंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच अमचूर पाउडर मिक्स कर लेंगे। इसमें हम राजमा ऐड कर लेंगे जिसे मैंने ओवरनाइट या 15 घंटे के लिए भिगो दिया था और प्रेशर कुक कर लिया है 5 से 6 सीटी। स्मैशर की मदद से हम इसे स्मैश कर लेंगे। सभी राजमा को हमें स्मैश नहीं करना है। एंड राजमा इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो रिच इन फाइबर्स, तो इसे हमें अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा राजमा तैयार है और हम अब बिस्किट भाखरी की तैयारी करते हैं। तो मैंने तवी गरम करने रख दी है और बिस्किट भाखरी बनाना हम शुरू करते हैं। हम एक लोई लेके उसे बेल लेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और इसमें छेद कर देंगे।
बस इसे हम तवे पे डाल देते हैं और इसे धीमी आंच पे दोनों साइड से हम सेक लेंगे। हम इसे टर्न करके देख लेते हैं, अब दूसरी साइड भी इसे होने देते हैं और इसकी मदद से हम बीच बीच में इसे दबाते रहेंगे, इसे सेकते जाएंगे। दोनों साइड से ये सिक चुकी है, देखिए, बस हमें इसे उतार लेंगे और इसी प्रकार दूसरी भाकरी बना लेंगे। भाकरी पे अब हम टॉपिंग कर लेते हैं, तो ये हमारा राजमा तैयार है, उसे उस पर और बच्चों को चीज़ बहुत ही पसंद होता है, हम इस पर चीज़ से गार्निश करेंगे। इसी धनिया पत्ता और कटर की सहायता से इसके चार पीस कर लेंगे। बस ये खाने के लिए तैयार है।